कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। अलीगढ़ में शंकर बिहार कॉलोनी थाना क्वारसी एक युवक का बिजरम पब्लिक स्कूल के सामने से 5 बदमाशों ने अपहरण कर लिया, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए याकूतपुर पुपुलिया के पास जंगल ग्राम में बदमाशों को गिरफ्तार करने पहुंची, जहाँ पर पुलिस कर्मियों की तरफ तेजी बदमाशों ने गाड़ी भगा दी, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। 112 की सूचना थाना महुआखेड़ा पुलिस को प्राप्त हुई, जिसमें सूचना दी गई कि एक व्यक्ति को विजरम पब्लिक स्कूल के सामने कुछ हथियारबंद लोगों ने जबरदस्ती एक गाड़ी में बिठा लिया है। सूचना पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और CCTV कैमरा तथा अन्य लोगों से घटना की तस्दीक हुई। इसके बाद आसपास जब ढूंढवाया गया तो व्यक्ति कुछ दूर पे पुलिस ने रिकवर किया, जहां पर उसके द्वारा बताया गया कि पिछली रात में कुछ लोगों से किसी बात पे इसका झगड़ा हुआ था, उसी रंजिश में इन लोगों द्वारा उसको उठाया गया था और मौका देखते ये उन लोगों के चंगुल से फरार हो गया। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन बाजार में बाइक सवार बदमाशों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। बेखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े बीच बाजार में एक महिला से मोबाइल लूट लिया। इस दौरान महिला के शोर मचाने पर भीड़ ने दोनों बदमाशों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस दोनों बदमाशों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारी प्रदीप त्रिपाठी ने बताया कि दोनों बदमाशों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। शिवगढ़ में रायबरेली के गुमान चौकी में हैदरगढ़ महाराजगंज हाईवे पर दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने चारों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने सभी का प्राथमिक इलाज किया और एक व्यक्ति की हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। लखनऊ में अलीगढ़ थाना क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालय के पास UPSTF के साथ मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी गैंग की मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश रवि यादव के पैर में गोली लग गई। इसके साथ ही 3 और बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस और STF की टीम ने बदमाशों के पास से एक कार समेत 3 तमंचे भी बरामद किए। बता दें कि इनामी रवि यादव गाजीपुर में पत्रकार की हत्या समेत कई हत्याओं में अपराधी है। एक रवि उर्फ दिग्विजय यादव है, गाजीपुर का रहने वाला। तो सूचना मिली थी कि इसके द्वारा कोई लखनऊ में कोई घटना कारित की जाने वाली है। इस सूचना पर STF द्वारा इसको चेस किया गया, जिसमें क्रॉस फायरिंग हुई है, दिग्विजय यादव घायल हुआ है। सुनने में आ रहा है कि ये पत्रकार एक था, उसको मारने के बाद, हत्या के बाद जब से फरार चल रहा था, कुछ ऐसा मामला नहीं? ये तो उसमें पत्रकार की हत्या किया था और ये वांछित आजमगढ़ जनपद सरायमीर थाने से चल रहा था। STF और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ DK शाही हैं, CEO STF। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या था पूरा मामला। क्या था पूरा मामला जो आज पुलिस में आप में और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है? एक रवि उर्फ दिग्विजय यादव है, गाजीपुर का रहने वाला। तो सूचना मिली थी कि इसके द्वारा कोई लखनऊ में कोई घटना कारित की जाने वाली है। इस सूचना पर STF द्वारा इसको चेस किया गया, जिसमें क्रॉस फायरिंग हुई है, दिग्विजय यादव घायल हुआ है। सुनने में आ रहा है कि ये पत्रकार एक था, उसको मारने के बाद, हत्या के बाद जब से फरार चल रहा था, कुछ ऐसा मामला नहीं? ये तो उसमें पत्रकार की हत्या किया था और ये वांछित आजमगढ़ जनपद सरायमीर थाने से चल रहा था। अच्छा, तो कुछ क्या इनाम भी इस पर था? कुछ ऐसा इस पर आजमगढ़ SSP महोदय द्वारा 25,000 इनाम घोषित था। अच्छा, इसके अलावा भी कोई फरार है या नहीं? इसके 3 साथी और साथ में पकड़े गए हैं, कुछ 4 लोग पकड़े गए हैं। ये थे DK शाही, STF CEO हैं। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो बदमाश था वो भाग रहा था, जिसके चलते STF में और बदमाश में मुठभेड़ हुई है। फिलहाल अभी इसको हॉस्पिटल भेज दिया गया है, उसके बाद
अब जो आगे की कार्रवाई है वो एसटीएफ करेगी। शादाब सिद्दीकी, प्राइम टीवी। शिवगढ़ में रायबरेली थाना क्षेत्र के गुमावा चौकी में बीती रात चोरों ने सोने चांदी के लाखों के जेवरात पार कर दिया। जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र के गुमावा चौकी के अंतर्गत बसंतपुर सकतपुर में जीत बहादुर सिंह के घर में लालजीत सिंह और उनकी मां सोई हुई थी। सुबह उठकर लालजीत की मां ने दरवाजा खोलकर देखा तो घर का सब सामान बिखरा पड़ा हुआ था और अलमारी का लॉक टूटा हुआ था। फिलहाल पुलिस इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों में जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश को गोली लगने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगतपुर में प्राथमिक उपचार करने के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। सभी जगह चेकिंग कराई जा रही है, जो लूट और इस तरह के रोकने के लिए कराई जाती है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय का ये भी आदेश था कि लिंक रोडों पर भी चेकिंग कराई जाए, जो मुख्य मार्गों से मिलते हैं, क्योंकि बदमाश जो है आमतौर से घटनाएं करने के बाद उन रोडों से भागते हैं, उन्हीं रोडों से आते हैं। सीतापुर में कृषि विभाग के घूसखोर बाबू को टीम ने छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि नीरज नाम के व्यक्ति को खाद का लाइसेंस बनाने के लिए प्रेमनगर में केंद्रीय बीज कार्यालय में तैनात फर्टिलाइजर बाबू दिलीप सिंह ने लगभग 15,000 की घूस मांगी थी, जिसमें नीरज ने 5,000 रुपए भी दिए थे। लेकिन उसके बाद नीरज ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम से की, जिसके बाद नीरज ने फर्टिलाइजर बाबू को एक बार फिर से 8,000 दिए और विजिलेंस टीम ने रंगो हाथ फर्टिलाइजर बाबू को घर धर दबोचा। खाद के की अनुज्ञप्ति के लिए यानी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। यहाँ जो केंद्रीय कार्यालय है बीज और खाद भंडार का, वहाँ जो है उसने अप्लाई किया था और जो अपेक्षित शुल्क है उसके द्वारा जमा किया गया था, परंतु वहाँ जो वरिष्ठ सहायक है पटल बाबू भी कहते हैं, वो 15,000 रुपया रिश्वत की मांग कर रहा था। लाइसेंस बनवा रहे थे खाद बीज का, खाद बीज का लाइसेंस बनवाया तो उसी में इन्होंने इतने रुपए मांग लिए। कितने रुपए? फर्टिलाइजर बाबू ने। क्या नाम है उनका? नाम है दिलीप कुमार। कितने रुपए मांगे? मांगे थे 13,000 रुपए। 5,000 एडवांस दे दिया था, 8,000 रुपए बाद में जो टीम आई थी उनके साथ में रंगे हाथ। आपने शिकायत कब की थी? आज हमने कितने रुपए? 8,000। सुल्तानपुर में गैर जनपद में तैनात इंस्पेक्टर निशु तोमर को कोतवाली पुलिस ने जिला सत्र न्यायालय परिसर के बाहर से हिरासत में ले लिया। जानकारी के मुताबिक महिला कांस्टेबल का आरोप था कि हरियापुर थाने में तैनाती के दौरान दरोगा ने मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, जिससे महिला कांस्टेबल बीमार हो गई, जिसके बाद दरोगा ने महिला कांस्टेबल को कोई दवा खिला दी और बेहोशी की हालत में दरोगा ने महिला कांस्टेबल की अश्लील फोटो खींची और वीडियो भी बनाया, जिसके बाद दरोगा वीडियो को वायरल करने की धमकी दे रहा था। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।